इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित आसियान भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होने के लिए जकार्ता पहुंच चुके हैं। शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारतीय समुदाय सुबह से ही उनके होटल के मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही होटल कक्ष में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा होटल गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी दौरे पर जाएं और भारतीय समुदाय से वो मुलाकात ना करें ऐसा असंभव है। आपको बता दें, ये दौरा G20 को लेकर अहम और G20 के वजह से ही बहुत छोटा भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता के बाद भारत लौटेंगे और भारत लौटते ही G20 की अध्यक्षता करेंगे। आप दृश्य में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी के आते ही मोदी मोदी और जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी के गूंज से गूंज उठा जकार्ता। पीएम हर एक लोगों से मुलाकात करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, उनके साथ सेल्फी लेते हुए। पीएम मोदी कभी भी किसी भी विदेशी दौरे पर जाएं तो भारतीय समुदाय को नाराज नहीं करते हैं। पीएम मोदी होटल कक्ष में इंडोनेशिया की पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए भी नजर आए। बहरहाल, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भी सम्मिलित होंगे। फिर देर शाम पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको पता होगा कि पिछले साल सितंबर में इंडोनेशिया ने ही G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।